बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज हम सर्दी के मौसमी असर से बचाव के लिए खुशखास की बहुत ही मजेदार चाय बना रहे हैं अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दे साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दे इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर हाँ नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा रेसिपी को शुरू करते हैं दो बड़े कप पानी लेंगे तकरीबन ये 600 सौ है खुशबू और फ्लेवर के लिए दो सब्ज़ इलायची का छिलका इस तरह से खोल लिया है इन्हें पानी में शामिल कर देंगे दो कप चाय में एक बड़ा खाने वाला चम्मच भर के खसहास लेंगे सबसे पहले हम खसहास को अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसमें से किसी किस्म की मिट्टी की ज़रात है वो ख़त्म हो जाए इसके लिए एक बाउल में पानी लिया इसे शामिल कर देंगे इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे इसे दोबारा से इस तरह से मिक्सअप करेंगे और फौरन से इसे छान लेंगे इसी तरह दो से तीन दफा इसे अच्छी तरह से धो लेंगे पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया ऐसे इसमें शामिल कर देंगे गैस के साथ ही हीट को लो कर देंगे और इसे इतना पकाएंगे कि दो कप का पानी जो था वो एक कप रह जाए पानी उबलते हुए एक कप की मकदार में रह गया सो स्टेज इस में इसमें पत्ती शामिल कर देंगे देखा आपने गर्म पानी में एकदम से रंग निकल के आता है चाय की पत्ती इसमें एक चाय की चम्मच गई है यही परफेक्ट टाइम है इसमें चीनी को शामिल किया जाए चीनी इसमें जाएगी खाने वाला चम्मच आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं स्टेज में डालने से चाय पतली नहीं बनती और चाय का गाढ़ापन बरकरार रहता है अच्छे से चॉकलेटी फ्लेवर के लिए इसमें आधी चाय की चम्मच गुड़ या शक्कर शामिल कर देंगे चाय की पत्ती को पानी में उबलते हुए एक मिनट हो चुका है सो इसी स्टेज में दूध शामिल कर देंगे दूध शामिल करने से इसका टेम्परेचर डाउन हो गया था तो बारह जैसे उबलने लगे एक मिनट तक इस तरह से उछाल के इसे मिक्सअप करेंगे इससे इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इस चाय का इस्तेमाल अमूमन रात को किया जाता है उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी अगर आप सोने के लिए नींद की टेबलेट लेते हैं तो ये चाय पिए इंशाल्लाह आपकी नींद की दवाई छूट जाएगी इसके साथ ही चुनाव अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही जरूरी है इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा तो आप याद रखिए वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ अल्लाह हाफिज